सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थ्री ऑफ सब्जेक्ट मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। सो यहाँ पे MSBT CE6I इसलिए लिखा गया है क्योंकि चैनल डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियरिंग को, लेकिन मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट ऑल ब्रांचेस को सेम ही है, इसलिए ये वीडियो सबके लिए कारगर होगा। सो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो के स्टडी मटेरियल्स चाहिए होंगे तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस और MCQ सीरीज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक हायरार्की में अरेंज किया जाता है, और वो भी रिलेशनशिप होता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। या आगे हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे, उससे पहले द टर्म लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या रिफ़र करता है उसको जानते हैं। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक क्लियर डिमार्केशन होता है बिटवीन मैनेजरियल पोजीशंस, उनकी क्या पावर्स है, कहाँ पे वो डिसीजन मेक कर सकते हैं, ठीक है। ये साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस इंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। तो यही मैंने बताया था, ठीक है। सो एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स ऑल फाइव मैनेजरियल फंक्शंस। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये फाइव मैनेजरियल फंक्शंस क्या है। अगले पार्ट में इस वीडियो के हम जानेंगे फाइव फंक्शंस के बारे में, उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस बार कमेंट में बताना है कि क्या होते हैं ये पाँच फंक्शन। इसे हमने पार्ट वन में भी पढ़ा है और अगले पार्ट में हम इसे ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। सो टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और उसका काम होता है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मुलेट करना। मिडल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स या फिर मैनेजर, ये आइडेंटिफाई करते हैं डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गाइड करते हैं उनके लोअर लेवल ऑफिसर्स को उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और तो लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर और फोरमैन, ठीक है। ये सुपरवाइज करते हैं काम को और काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना, एग्जीक्यूट करवाना इनके ऊपर होता है, ठीक है, इन मिडल लेवल और लोअर लेवल में। और वर्कर्स काम करते हैं। सो इस फिगर में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन कर लिए हैं। तो सेम ही नीचे भी लिखा गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सब शामिल होते हैं। ये प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसके द फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और ब्रॉड पॉलिसीज वो बनाते हैं, ठीक है। साथ ही इन सबको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर आप इसकी स्टडी मटेरियल हमारे वेबसाइट से या MSBT के ई कंटेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मिडल लेवल में भी वैसा ही है, मिडल लेवल में मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, और इनके भी फंक्शंस आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने को है ना, क्योंकि ये सिंपल फंक्शंस है, जैसे एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्लान्स, इसे समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, सीनियर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इनके फंक्शन होते हैं जॉब असाइन करना, टास्क असाइन करना, ये सब आप देख सकते हैं। सो अभी मेन हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का मतलब क्या होता है। सो जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी जाना, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये ऐसी कला है जिसके थ्रू हम लोगों से राजी खुशी अपना काम करवा सकते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो सके, ठीक है। और हमने ये भी जाना था फर्स्ट वीडियो में कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकता, इसके कितने भी डेफिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसके अंदर लोग अपने ऑब्जेक्टिव के तरफ तत्पर रहे, ठीक है। सो आपको MCQ में ऐसा पूछ सकता है, मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर फाइव एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, तो इसका आंसर होगा मेन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स एंड मनी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था, तो उसका आंसर होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और अगर 5 M's ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो मेन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स और मनी। ठीक है, अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर कहीं पे भी आपको वर्ड आए एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये रिलेट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और वो कौन होते हैं? ओनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स और रिटर्न्स उनको मिलते हैं। जो भी फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लेजिस्लेटिव होते हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग वगैरह, और उसमें कोई टेक्निकल एबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज बनाई जाती है जैसा पहले मैंने बताया, और जो गोल सेट किया जाता है अपने कंपनी का। ठीक है, और इट फ्रेम्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज। इसका मेन फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, और कुछ भी एडजस्टमेंट हो तो वो करना। ये कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब कुछ नहीं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो नीचे उतर के काम नहीं करती, मिडल लेवल और लोअर लेवल जो हमने पहले देखा वही पूरा काम करते हैं इनके इशारे के ऊपर। समझे? अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ जो फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, इसका फंक्शन है कि लोगों को साथ में जोड़ना और एक इंटरप्राइज को ऐसा बनाना कि वो साथ में काम करें, मिलजुल कर काम करें एक ही एम के तरफ। ठीक है, उसको कहेंगे अपन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती है वो मैनेजमेंट देखता है, और वो मैनेजमेंट उसी के थ्रू देखता है जो फ्रेमवर्क होती है ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब जो आधारशिला होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर से ही एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बनाती है, और उसके ऊपर ही मैनेजमेंट अपना काम आगे उठना करता है। ठीक है, वही आधारशिला का मतलब वही हुआ कि वह ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच होल बिजनेस इज बिल्ट। ठीक है, वही मेन मोटू मोटिव या फिर मेन मोटो जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वही एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, जिसके ऊपर पूरी बिजनेस खड़ी होती है। सो बिना किसी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मैनेजमेंट स्मूथली परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन का सीधा साधा मतलब ये है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छे वातावरण में कंपनी के लिए काम करे और कंपनी से ही अपना लगाव रखे, ना कि किसी और से। ठीक है, इसलिए अगले पॉइंट में ये कहा गया है, अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेक्स गुड परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि कोई अच्छा परफॉर्मेंस बन सके। ठीक है, अब क्या हो गया, और एक पॉइंट आ गया। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है जिसके अमंग इंडिविजुअल एक साथ काम करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे बढ़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो है वो उस ऑब्जेक्टिव के तरफ लोग तत्पर रहने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का आखिर मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज थ्रू इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग द ग्रुप एक्टिविटीज। सादा सिंपल ये मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश के दो वर्ड पता होंगे, एक होता है हाउस, ठीक है, एक होता है होम। कोई भी घर हाउस बन सकता है, लेकिन हर घर वो होम नहीं बन सकता। तो होम का मतलब हुआ जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, कोई फैमिली रहती है। हाउस ऐसी जगह, एक बिल्डिंग है, घर है, बस ख़त्म। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एस्टेब्लिशमेंट या फिर एंटरप्राइज के लिए काम करें, और उनका सिर्फ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के आधारशिला में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मेजर डिफरेंसेस है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच वो देखते हैं। मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक वे है लोगों को मैनेज करने का, ये तो पहले ही देख लिया अपन। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हम राजी खुशी लोगों को मैनेज कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ ओनर्स होते हैं, पार्टनर या फिर ओनर टॉप लेवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस और फंक्शनल लेवल यानी कि मिडल और लोअर लेवल में काम करती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल यानी टॉप लेवल में काम करती है। मैनेजमेंट
का फोकस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है पॉलिसी बनाने में। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि मैनेजमेंट उन्हीं डिसीजंस के अंदर, सेट ऑफ डिसीजंस के अंदर ही काम कर सकता है। ठीक है, आखिर वही बात आ गई कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उनको हम बोलेंगे मैनेजमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट करता है ओनर को ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ भी आता है, वो भी एक ओनर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम शेयर होते हैं कंपनी के, मैक्सिमम नहीं तो भी मतलब टाइम टू टाइम उसके शेयर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो ओनर के पास रहेंगे या फिर को फाउंडर्स के पास रहता है। ठीक है, सो सातवां पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट कैन बी सीन इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट रिलायंस में देखा जा सकता है, टाटा में देखा जा सकता है, फिर भी टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम करती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड इन गवर्नमेंट। ठीक है, जनरल टर्म्स में एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसेस, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनमें पाया जाता है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन वाला रोल निभाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग का। सो ऐसे बाकी के पॉइंट भी यही बताते हैं। तो डिफरेंसेस हम देखेंगे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बेस्ड ऑन फंक्शंस और यूजेस अप्लीकेबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम लोगों से काम करवा लेते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो सके, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव प्लान पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। मैनेजमेंट एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डिसीजन लेता है, कोई काम नहीं करता, काम करवाता है। ठीक है, मैनेजमेंट का काम यह है कि कौन ये काम करेगा जो उसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया है, जैसे मिडल लेवल जो भी मैनेजमेंट है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम किया है वो उसे लोअर लेवल या फिर वर्कर्स को कैसे असाइन करना है वो मैनेजमेंट देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है क्या काम करना है और कब करना है। ठीक, सो मैनेजमेंट एक डूइंग फंक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने सुपरविजन के अंदर काम करवाता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो, और ये प्रोडक्टिव है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन एक थिंकिंग प्रोसेस है, पूरा दिमाग से काम लड़ाना पड़ता है, क्योंकि ये प्लान और पॉलिसी बनाते हैं, और ये नॉन प्रोडक्टिव है क्योंकि ये साइट के ऊपर कोई काम नहीं करते। ठीक है, सो मेनली रिक्वायर्स टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स से मैनेजमेंट में है, कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स एडमिनिस्ट्रेशन को आने चाहिए, और साथ ही मैनेजमेंट इंक्लूड होता है मिडल और लोअर लेवल फंक्शन में। टॉप लेवल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूजेस के बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं मैनेजमेंट के, ये देखते हैं हम। तो ऑन द यूजेस डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज पर अप्लीकेबिलिटीज, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्लीकेबल है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि रिलायंस हो गया, L&T हो गया। ठीक है, और ये गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, इससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्निकल चीज़ें होती नहीं है ज़्यादा। मैनेजमेंट डिसीजंस, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनके वैल्यूज़, ओपिनियंस, उनको जैसा काम करवाना है, उनकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता के ऊपर, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जब बात आएंगे गवर्नमेंट की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स की, तो ये पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा वेटेज आएगा इसमें। तो साथ ही अगर स्टेटस की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो सैलरी या फिर वेजेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट करता है ओनर ऑफ द एम्प्लॉयज, जो अर्न करते हैं कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, और जो प्रॉफिट उनको डिविडेंड के रूप में मिलता है। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो भी डिटेल में। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।